Good morning, students. Hope you all are fine and safe at home and studying in an excellent manner through these videos. Students, today in this video lecture we will do mastering grammar lesson number 17. So first of all, take out your mastering grammar and open page number 4040. There is lesson number 17. डूइंग वर्ड्स एंड नेमंग वर्ड्स स्टूडेंट्स अब तक हमने नीमिंग वर्ड्स लर्न किए राइट नेम ऑफ प्लेसिस नेम ऑफ पीपल नेम ऑफ एनिमल्स नेम ऑफ बर्ड्स राइट एनिमल्स प्लेसिस थिंग्स तो ये सारे नेमिंग वर्ड्स में आते हैं और हमने डूइंग वर्ड्स भी लर्न किए राइट तो डूइंग वर्ड्स किसे कहते हैं जो कि एक्शन वर्ड्स होते हैं वो डूइंग वर्ड्स है जो एक्शन दिखाता है वो doing words है. So, हमने अब तक एंड किए, अभी हम lesson number 17 में दोनों साथ में learn करेंगे, ठीक है? पेज नंबर फोर जीरो फोर्टी इन योर मास्टरिंग ग्रामर नेमिंग वर्ड्स एंड फ्रेंड्स दे वर्क टूगेदर नेम्स ऑफ पर्सन एंड नेम्स एंड प्लेस आर नेमिंग वर्ड्स सी स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको कहा ना कि नेमिंग वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स है वो हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं सो नेम ऑफ पर्सन प्लेसिस नेम ऑफ थिंग्स नेम ऑफ एनिमल्स बर्ड्स ये सारे नेमिंग वर्ड्स में आते हैं राइट नेम ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स बर्ड्स एनिमल्स फ्लावर्स एंड प्लाट्स आर ऑल्सो नेमिंग वर्ड्स बट एक्शन वर्ड्स आर डूइंग वर्ड्स वर्ड्स सो नेमिंग एंड डूइंग वर्ड्स ये दोनों फ्रेंड्स है यहाँ पे हमें ऐसा कहा है दे आर गुड फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है तानिया रीड्स अ बुक स्टूडेंट्स एक सेंटेंस है तानिया रीड्स अ बुक तानिया है वो एक बुक रीड कर रही है या करती है सो so, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें तानिया तानिया है वो गर्ल का नेम है मतलब ये जो तानिया ये वर्ड है ये क्या हुआ ये naming word हुआ राइट ये पर्सन का नेम है ना गर्ल का नेम उसके बाद है रीड्स तो तानिया क्या कर रही है तो तानिया रीड कर रही है तो ये एक्शन दिखाता है कि तानिया है वो रीड कर रही है सो तो ये जो रीड्स है वो डूइंग वर्ड है और यहाँ पे बुक है वो अगेन नेमिंग वर्ड है बुक है वो थिंग है थिंग का नेम है सो so ये नेमिंग वर्ड है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है तानिया इज इज अ अ नेमिंग वर्ड वर्ड डूइंग ठीक है और यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस गिवन है इसमें से हमें नेमिंग वर्ड फाइंड करने हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे करके दिया है फिर भी हमें ध्यान से समझना है द टाइगर इन दू इज इल एक सेंटेंस है टाइगर इन ज़ू इज इल मतलब एक टाइगर है जो कि जू में है और जू में है बट क्या है इल मतलब बीमार है मतलब जू के अंदर जो टाइगर है वो बीमार है सो यहाँ पे टाइगर टाइगर है वो एनिमल का नेम है राइट वो एनिमल है सो यहाँ पे टाइगर है वो नेमिंग वर्ड हुआ सो हमें तो नेमिंग वर्ड को ही अंडरलाइन करना है ठीक है जू क्या है प्लेस ठीक है सो so जू है वो भी नेमिंग वर्ड में आता है सो so आपको इसको भी अंडरलाइन करनी है ठीक है नेक्स्ट द बेबी है वो मेरे सामने स्माइल कर रहा है सो so बेबी है वो छोटा सा बेबी है राइट right? सो so ये नेमिंग वर्ड है ये पर्सन है सो so ये नेमिंग वर्ड है ठीक है so सो इसको आपको अंडरलाइन करना है नेक्स्ट नेस्ट वो इज स्मॉल नेस्ट है वो स्मॉल है सो so, यहाँ पे स्मॉल है तो ये तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ वो नेस्ट को डिस्क्राइब करता है ना वो स्मॉल है या बिग है बट हमें तो नेमिंग वर्ड फाइंड आउट करना है सो ए एन ई एस टी नेस्ट वो एक प्लेस uh, है राइट एक होम है बर्ड्स का सो so, नेस्ट है वो नेमिंग वर्ड है और हमें इसे अंडरलाइन करना है नेक्स्ट आई लाइक टू ईट टोमेटोज मुझे टोमेटोज खाना बहुत अच्छा लगता है आई लाइक टू ईट टोमेटोज सो यहाँ पे ये यह जो पूरा सेंटेंस है इसमें ई एट ई इट मीन्स खाना तो ईट का मतलब तो आ, ये तो डुइंग वर्ड हो जाएगा और हमें क्या करना है हमें तो नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करनी है राइट सो so, टोमेटोज टोमेटोज है वो थिंग है राइट वेजिटेबल्स है और यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है बर्ड्स है सारे नेमिंग वर्ड में आते हैं सो so, यहाँ पे टोमेटोज है वो नेमिंग वर्ड है ठीक है नेक्स्ट आई गेव अ रोज टू माई टीचर मैंने एक रोज अपने टीचर को दिया सो so, ये एक सेंटेंस है आई गेव अ रोज रोज है वो फ्लावर है सो so, यहाँ पे देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स बर्ड्स एनिमल्स फ्लावर्स फ्लावर्स है वो नेमिंग वर्ड में आता है तो रोज है वो नेमिंग वर्ड है इसीलिए हमने इसे क्या किया है अंडरलाइन आपको भी अंडरलाइन करना है उसके बाद है टू माई टीचर टीचर है वो पर्सन है सो so, पर्सन मतलब अगेन नेमिंग वर्ड ठीक है सो यहाँ पे आपको रोज और टीचर को अंडरलाइन करना है नाउ स्टूडेंट्स हमने अभी अभी नेमिंग वर्ड को फाइंड आउट करके उसको अंडरलाइन किया अभी हमें डूइंग वर्ड्स को फाइंड आउट करने हैं और उसको हमें अंडरलाइन करनी है सो डूइंग वर्ड्स डुइंग ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन दिखाता है कोई पर्सन कोई एनिमल uh, या कोई भी बर्ड मतलब कोई क्या कर रहा है वो जो पर्टिकुलर एक्शन दिखाता है वो कहलाता है सो so, पे है uh, मीरा टॉक्स टू मोना मीरा मोना से बात करती है तो क्या करती है बात टॉक सो यहाँ पे टॉक है वो क्या है डूइंग वर्ड और इसे हमें क्या करना है सर्कल मैंने यहाँ पे सर्कल किया है आपको भी अपनी मास्टरिंग ग्रामर बुक में इस वीडियो की जंगल मतलब रोर्स का मतलब होता है गर्जना करना राइट जैसे डॉग है वो भसता है वैसे लायन जब चिल्लाता है मतलब वो गर्जना करता है राइट तो उसे कहते हैं रोर सो लायन रोर्स इन जंगल So, यहाँ पे लाइन क्या करता है तो लाइन रोर करता है रोर गर्जना करता है तो ये उसकी एक्शन है है ना सो आर ओ एस रोर्स इसको आपको क्या करना है सर्कल करना है नेक्स्ट है वो स्काई में शाइनिंग कर रहे हैं तो स्टार्स क्या कर रहे शाइन कर रहे तो शाइन है वो क्या है डूइंग वर्ड सो आपको डूइंग वर्ड को सर्कल करना है ठीक है नेक्स्ट वी है वो कहाँ रहता है राइट बट केव है वो तो प्लेस है तो ये तो नेमिंग वर्ड हुआ ना बट हमें क्या चाहिए हमें चाहिए। रहना। तो लायन कहाँ केव में क्या करता है रहता है राइट तो लीव है वो एक्शन वर्ड दिखाता है मतलब वो वहां पे रहता है तो so, आपको लीव्स uh, को सर्कल करना है टॉक्स रोस शाइन लीव्स ओके नेक्स्ट सी इज देर रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन दी नेमिंग वर्ड्स एंड दी डूइंग वर्ड्स एंड देन सर्कल दी डूइंग वर्ड्स एंड देन राइट देम इन दी बॉक्स ऑन दी नेक्स्ट पेज अभी स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ए में क्या किया क्वेश्चन ए में हमने नेमिंग वर्ड अंडरलाइन किया क्वेश्चन बी में हमने डूइंग वर्ड को सर्कल किया अभी जो क्वेश्चन सी है उसमें सेंटेंसेस गिवन है उसमें हमें जो नेमिंग वर्ड है उसे अंडरलाइन करनी है और जो doing है, उसको सर्कल करना है और उन दोनों को जो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें हमें फाइन करके लिखना है तो पहले हम यहाँ पे नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करते हैं और डूइंग वर्ड को सर्कल करते हैं ठीक है फर्स्ट इज राज राजा को ग्रैप्स बहुत अच्छी लगती है तो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है उसमें नेमिंग वर्ड कौन है नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी पर्सन का नेम कोई भी एनिमल बर्ड का नेम फ्लावर्स फ्रूट्स का नेम थिंग्स का नेम ठीक है किसी भी चीज का नेम तो वो नेमिंग वर्ड में आता है प्लेस का नेम ठीक है so सो यहाँ पे राजा राजा है वो क्या है नेमिंग वर्ड क्योंकि वो पर्सन का नेम है और ग्रैप्स ग्रैप्स है वो फ्रूट्स का नेम है राइट right? फ्रूट का नेम है तो ये भी नेमिंग वर्ड है तो इन दोनों को आपको अंडरलाइन करनी है और नीचे जो यहाँ पे जो लव्स लव्स लव राजा को बहुत पसंद है ठीक है सो लव्स है वो यहाँ पे डूइंग uh, वर्ड है एक्शन वर्ड है आपको इसको सर्कल करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज फोन दिंग लाउडली फोन है वो लाउडर रिंग करता है तो फोन है वो एक चीज है थिंग है राइट right? तो इसको हमें अंडरलाइन करनी है क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है और रिंग्स रिंग्स मीन बजता है फोन क्या करता है बजता है तो रिंग्स है वो एक्शन वर्ड फोन क्या कर रहा है मतलब फोन की रिंग बज रही तो ये रिंग बजना भी एक एक्शन वर्ड है तो रिंग्स है उसको सर्कल करना है ठीक है क्योंकि ये है नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन थ्री हुड व्यर्स और रेड कोट रेड राइडिंग हुड व्यर्स और रेड कोट रेड राइडिंग हुड है उसने रेड कलर का कोट पहना हुआ है तो ये जो रेड राइडिंग हुड जो है ना वो पूरा एक नेमिंग वर्ड है पूरा एक नेम है तो इसको हमने अंडरलाइन करनी है और कोट कोट मतलब ये थिंग है ये भी कोई चीज है उसके उसका ही नेम है तो यहाँ पे इसको भी हमें अंडरलाइन करना है और पहनना, राइट तो ये क्या हुआ ये action word हुआ। तो इसे हमें क्या करना है सर्कल करना है ठीक है? है, है, वो स्लोली वॉक करता है तो टोटोइ है मतलब वो नेम है राइट so, इंसेक्ट या आप, आ, एनिमल का नेम है सो so, टोटो है उसको आपको अंडरलाइन करनी है और walks मींस चलना तो ये क्या हुआ एक्शन वर्ड ठीक है तो इसे हमें क्या करना है सर्कल नेक्स्ट मदर कुक्स इन द किचन मम्मी किचन में खाना बनाती है तो सबसे पहले मम्मी क्या हुआ नेमिंग वर्ड किचन क्या हुआ नेमिंग वर्ड और कुक्स मींस बनाना सो so ये कुछ भी खाना मम्मी बनाती है तो किचन में जाके जो खाना वो बनाना होता है उसे एक्शन वर्ड कहते हैं राइट कुक एक्शन वर्ड तो कुक को सर्कल करना है मदर एंड किचन को अंडरलाइन करना है और अभी हमने जो अंडरलाइन नेमिंग वर्ड्स को किए हैं उसको नेमिंग uh, वर्ड और डूइंग वर्ड ये जो दो बॉक्स है उसे हमें डिफरेंट different, डिफ्रेंशिएट uh, करना है उसे अलग करना है ठीक है अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जितने भी नेमिंग वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स अभी हमने किए जितने भी अंडरलाइन uh, किए हुए वर्ड्स वो हमने यहाँ पे लिखे है राजा ग्रेप्स फोन रेड राइडिंग हुए टो मदर एंड और यहाँ पे वो सारे फाइव के फाइव सेंटेंसेस में जितने भी डूइंग वर्ड्स थे लवस रिंग्स वियर्स वॉक्स एंड कुक्स तो ये सारे वर्ड्स डूंगे uh, तो ये यह हमने यहाँ पे वर्ब को लिखे हुए है नाउ नेक्स्ट रीड एंड फाइंड आउट वू एम आई यहाँ पे पजल जैसा है आपको सेंटेंसेस रीड करना है मैं यहाँ से रीड करूँगी आपको बताना है कि मैं कौन हूँ बाजू में हमें पिक्चर भी गिवन है तो हमें बहुत अच्छे से हिंट आ जाएगी और समझ आ जाएगा ठीक है आई एम ग्रीन इन कलर मैं ग्रीन कलर मेरा कलर ग्रीन है आई लाइक टू ईट अ चिल्ली एवरी डे और मुझे चिल्लीज मीन्स तिखी तिखी चिल्लीज होती है ना वो मुझे खानी बहुत अच्छी लगती है ल मी मिठ्ठू और तुम मुझे मिठ्ठू बुलाते हो सो आई एम अन हूँ पैरेट यहाँ पे तो पिक्चर है ही गिवन है ना सो so, आपको यहाँ पे लिखना है पैरट ओके नेक्स्ट आई रिंग अलॉट मैं बहुत सारे मतलब बोलती हूँ मेरी आवाज है यू यूज मी टू कॉल एंड स्पीक आप मुझे कॉल एंड स्पीक करने के लिए मेरा यूज करते हो कॉल करने के लिए आई कम इन ऑल साइज में अवेलेबल हूँ सो ट्रू यू नो माई नेम मैं ट्रेस बजती हूँ तो आपको मेरा नेम पता है ये yes, क्या है टेलीफोन सो so, हमें यहाँ पे लिखना है टीई एल ई पी एच ओ एन ई टेलीफोन एंड स्टूडेंट लास्ट वन इज आई है मेरे बहुत सारे टाइप्स होते हैं यू कैन पुट मी ऑन अ टेबल आप मुझे टेबल पर रख सकते हो यू कैन हैव मी ऑन योर लैप आप मुझे अपने गोद में भी ले सकते हो आई हैव अउस मोनिटर एंड कीबोर्ड मुझे माउस मोनिटर एंड की बोर्ड है फोन टाइम इज जस्ट अ क्लिक अवे सो आई एम अ कौन हूँ ये क्या है कंप्यूटर सो सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर सी ओ एम पी यू टी ई आर computer.